हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाइम के बारे में। बेनामी कल्चर में लाइम क्यों यूज होता है, कितने यूज होता है, सब डिटेल्स में बात करने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी फार्मर को पता है पॉन्ड प्रिपरेशन में लाइम यूज होता है, पीएच बढ़ाने के लिए लाइम यूज होता है, ये तो सभी फार्मर को पता है, ठीक है। लेकिन और क्या काम करते हैं कोलेजन? लाइम होता है और क्या काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है फार्मर को, ठीक है। ये सभी फार्मर को शायद नहीं पता है, तो आज मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ और क्या काम करते हैं। तो मैं पहले एक वीडियो में कवर किया, वहाँ पे मैं मोल्डिंग के बारे में बताया आप लोगों को, मिनरल्स के बारे में, मैग्नीशियम और पोटाशियम, इससे मोल्डिंग अच्छा होता है, ठीक है। तो लाइम भी मोल्डिंग के लिए यूज होता है बेनामी कल्चर में। इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो मोल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे कैसे यूज करें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शायद मान लो आपका पॉन्ड में मछली का फ्रेश मोल्टिंग नहीं हो रहा, ठीक है, मोल्टिंग स्टेज पे है मछली लेकिन वो फ्रेश मोल्टिंग नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? आप मिनरल्स करो, मैग्नीशियम पोटाशियम, मैं पहले भी बताया आप लोगों को, मिनरल्स कर दो। फिर नेक्स्ट डे आप पॉन्ड का पीएच चेक कर लेना, ठीक है। पीएच चेक करके आपका पॉन्ड में पीएच नॉर्मल है 8.2 8.5 के अंदर है, तो आप 1000 में 8 केजी और पीएच 7.9 7.8 के नीचे है तो 10 केजी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल है तो आप इसे 8 बजे का एरिएशन लगाओ, ठीक है, नाइट में 8 बजे का एरिएशन में लगाओ, और पीएच लो है तो इसे रात 4 बजे का एरिएशन में आप इसे लगाओ, ठीक है। इसे मिनरल्स के साथ आप यूज करो, आप जो मिनरल्स यूज कर रहे हो कोई भी कंपनी का मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स के साथ इसे यूज करो। इससे मछली का जो फ्रेश मोल्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको फ्रेश मोल्टिंग देखने को मिलेगा। और एक बात, आपका मछली 5-6 ग्राम का नीचे है तो आप इसे इस्तेमाल मत करो, ठीक है, छोटा मछली में इसे मत इस्तेमाल करो। मछली का साइज 5-6 ग्राम का ऊपर है तो इसे इस्तेमाल करो, ठीक है। और पॉन्ड में इस्तेमाल के पहले आप से नेट से छांक लेना, ठीक है, पूरी तरीके से छांक लेना, उसका जो दाना है दाना को आप बाहर फेंक देना, ठीक है, फिर वो पानी को आप पॉन्ड में इस्तेमाल करना। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो और देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक ऐसी न्यू वीडियो लेकर।